यमुनानगर के कस्बा थाना छप्पर के सरस्वती नगर में एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़े के साथ फायरिंग भी हो गई, जिसमें युवक को दो गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली लगने के बाद युवक के साथियों ने हमलावर की फॉर्चूनर गाड़ी भी तोड़ दी। गोली चलाने वाला अम्बाला के कांग्रेस का सचिव है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पता क्या, इसके साथ 2013 का मैटर चल रहा है जमीन का, ठीक है। इसको जमीन बेची थी हमने सुविंदर सिंह को, तो इसने पहले इसको ललित को धमकी दी फोन पे 10 दिन पहले, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आज इसने क्या किया, आया तो बाहर ललित खड़ा था, ठीक है। उसको बुलेट का पहले टक्कर मारी, उसको गाड़ी की लोच की, तो ललित जैसे उसके पीछे लगा, उसने छप्पर रोक लिया, तो छप्पर उसको दो गोलियां मार दी उसने। इसमें एक सुखविंदर सिंह है अम्बाला से, उसने यहाँ पे 5 किलो जमीन ली थी, जो ये ललित वगैरह है मुस्तफाद के, इनसे 5 किलो जमीन ली थी कॉलोनी काटने के लिए। उसको लेके कोई आपस में विवाद था दोनों का, तो ये वहाँ मुस्तफाद थे, वो मुस्तफाद से यहाँ छप्पर आए हुए थे, जो छप्पर आते हुए रास्ते में इनका झगड़ा हो गया और सुखविंदर सिंह ने फायर किए अपनी पिस्टल से, तो उसको दो गोली लगी है ललित को, जिसको गब्बा अस्पताल में उसका बयान लेके आए हैं, पर्चा दर्ज करने लग रहे हैं। और तो क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सर ये बताया जा रहा है कि आरोपी सुखविंदर को पहले भी कई मामले दर्ज है, ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड देख के ही पता लग सकता है ये कितने मामले दर्ज है। तो 3 लोगों के खिलाफ है, सुरेंद्र, सुखविंदर, सुरेंद्र और अजय, 3 आदमियों के खिलाफ है।